एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, बसंत गरासिया जी बांसवाड़ा से। बसंत जी, आपसे एक मेरी गुजारिश है कि सवाल बहुत संक्षिप्त में पूछे, लंबा सवाल नहीं हो, ताकि और भी जो कॉलर हैं उनका जवाब आ सके। जी बसंत जी, हम ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले सर। हाँ बसंत जी बोलिए। ट्राइबल में रहने वाले हमारे लिए ऐसी, हम बीएड और एचएस जारी है जी, तो हमारे लिए ऐसी घोषणा क्या होगी, हमारे लिए फायदा मिल सके, हम गरीब जनता को। नहीं, आप किस तरह की फायदा चाहते हैं? हम बीएड और एचएस जारी बेरोजगार है 5 साल सर। अच्छा, बीएड है आपको और बेरोजगार है? बीएड है और बेरोजगार हैं आप। तो देखिए, अभी अभी देश के अंदर सिर्फ ट्राइबल ही नहीं, तो पूरे देश का आज आप विचार करेंगे तो पूरे देश के अंदर जिस तरह महंगाई और भ्रष्टाचार एक समस्या है, विकराल समस्या है, बेरोजगारी भी उसी तरह समस्या है। आर्थिक दृष्टि से अभी तक किसी भी पार्टी ने आकर के ये विचार नहीं किया कि हमारे देश के अंदर कितने कॉलेज हैं, कॉलेज में से पढ़ करके कितने लोग निकल रहे हैं, एमए निकल रहे हैं, एमएड निकल रहे हैं, बीएड निकल रहे हैं, इंजीनियर निकल रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर्स की देश में कमी है, जितने डॉक्टर चाहिए उतने डॉक्टर भी नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन और अन्य लोग, ये ह्यूमन रिसोर्सेज का ठीक से उपयोग नहीं हो पा रहा है। आर्थिक दृष्टि से किसी भी पार्टी को सत्ता में आके इसका विचार करना पड़ेगा कि हमारे पास कितने नौजवान हैं, कितने कॉलेजेज हैं, वहां से कितने लोग निकल रहे हैं, उनके अनुकूल हम ऐसी व्यवस्था कर सकें जिससे सबको रोजगार हम दे सकें। पार्टी जी ने जो सत्ता में आती है बस ये विचार करके रखा कि रोजगार नहीं दे पा रहे तुमको, बेरोजगारी भत्ता दे दो। बेरोजगारी भत्ता देना ये कोई समीचीन और उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस बात की पहली आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकें, और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद इसके ऊपर पूरा विचार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 साल के लिए घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, 2025 का एक विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया है कि हम देश के अंदर किस तरह की स्थिति बनाएंगे जिसके कारण सब नौजवानों को रोजगार मिल सके, उनकी शक्ति का, उनके पुरुषार्थ का उपयोग हो सके। मैं एक और बताना चाहूंगा कि हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ एसके सुराना भी जुड़े हुए हैं, और बात विजन डॉक्यूमेंट की अभी कप्तान सिंह जी ने कही है कि 2025 का विजन डॉक्यूमेंट भी हमारे, और निश्चित रूप से एक लंबी दूरगामी सोच के साथ में कोई पॉलिटिकल पार्टीज हो, क्योंकि देश उनका है, देश का संचालन किसी न किसी राजनीतिक दल के हाथ में आना है, बहुत अच्छी बात है। सुराना साहब, आप पे कोई सवाल विजन डॉक्यूमेंट पे आप पूछ सकते हैं कप्तान सिंह जी से। मेरा प्रश्न ये है कप्तान सिंह जी से कि भाजपा को राइट विंग पार्टी माना जाता है, और शुरू से ही जब जनसंघ के दिनों से ही माना जाता था, जब लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था तब से ही भाजपा हमेशा से इस पक्ष में रही है कि आर्थिक उदारीकरण रहना चाहिए, बिजनेस की स्वतंत्रता रहनी चाहिए, और इवेंचुअली वही विचारधारा कांग्रेस ने भी 1991 में लागू करी और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाती हुई। अभी अगर आर्थिक रूप से देखें तो कांग्रेस और भाजपा की विचारधारा में कोई खास अंतर नहीं है। ऐसी स्थिति में भाजपा में ऐसी क्या चीजें हैं आर्थिक दृष्टिकोण से विजन डॉक्यूमेंट में जो कांग्रेस की विचारधारा से उसको अलग करती है? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो जो सोच है वो ये है कि अपने देश के अंदर जितने रिसोर्सेस हैं, हमारा देश एक ऐसा देश है, विश्व के अंदर एक अनूठा देश है जिसमें सब प्रकार के मौसम हैं, सब प्रकार के खनिज हैं, सब प्रकार की चीजें हैं, इनका सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि इन सबको ध्यान में रखती हुई, इसके साथ भारतीय जनता इसके साथ देश में देश के अंदर श्रमशक्ति भी बहुत है, नौजवान काफी है, और इसलिए इन सब का उपयोग कैसे किया जा सकता है इसको हमने पूरे 20-25 साल में फैला करके और सारा विचार किया है। ये राइट विंग और लेफ्ट विंग का युग मुझे लगता है अब नहीं रहा है, क्योंकि लेफ्ट पार्टी जी भी जिस विचारधारा को लेकर के चली थी, विचारधारा वो समाप्त हो गई, उनके अंदर भी बहुत परिवर्तन आ गया। अब तो पूरे देश का ये विचार करना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, पुरुषार्थ और जनशक्ति कितनी है, और उसका उपयोग अगर करना है तो उसको उपयोग करने की दृष्टि से 5 साल का नहीं, आगे 15-20 साल का विचार करके हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। देश में औद्योगिकरण भी होना चाहिए, देश में कृषि की प्रगति भी होनी चाहिए, और देश के अंदर जो हमारी अन्य जो चीजें हैं उसका भी उपयोग करके भारतवर्ष के अंदर समृद्धि लाने का प्रयास करना चाहिए। इस बात को लेकर के लंबी छलांग लेने की भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में सोची है। जी, बहुत अच्छी बात है कि आज विचारधारा विकास होनी चाहिए, हम भी स्वागत करते हैं इस बात का।